एयर इंडिया की फ्लाइट से मैं काठमांडू तो पहुंच गया, पर इस बार मेरा काठमांडू आना एक अलग उद्देश्य था। मुझे यात्रा करनी थी कैलाश मानसरोवर लेक की, जो यात्रा शुरू होनी थी मेरी काठमांडू से। एयरपोर्ट पे मेरे दोस्त ने मेरा भव्य स्वागत किया और उसके बाद वो मुझे होटल में ड्रॉप कर गए। होटल पहुंचने के बाद जो भी मुझे मिला खाने के लिए वो पहले ऑर्डर करके खा के मैं निकल चुका काठमांडू शहर को अपनी तरीके से एक्सप्लोर करने। इस यात्रा में मैं अकेला ही नहीं था, मेरे साथ और भी लोग जुड़ने वाले थे, पर उनके काठमांडू आने का प्लान 3 दिन बाद का था, तो मेरे पास 3 दिन थे काठमांडू को अपनी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसे काठमांडू शहर के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आपको गूगल बता सकता है। बहरहाल मैंने काठमांडू शहर को अपनी तरीके से एक्सप्लोर किया, जिसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और यहाँ से इंतज़ार किया अपने दोस्तों के आने का। उनके आने के बाद आगे की क्या प्लानिंग की और कैसे आप काठमांडू से तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में जाने से पहले आपको फिटनेस क्या रखनी है, क्या क्या सामान आपको पैक करने हैं, कितने दिन आगे का ये प्लान रहने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आपको अपने आने वाले एपिसोड में देता रहूँगा। किसी भी यात्रा में जाने से पहले जो मुख्य काम है वो होता है भगवान का आशीर्वाद लेना। तो मैंने भी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद मांगा कि मेरी आगे की यात्रा सफल रहे। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाली और अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है और यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन भी होते हैं।